एक और अच्छी और एक पॉजिटिव बात मिली, आप पत्रों पे देख सकते हो भाई, जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम और इस पे भी लिखा हुआ है जय श्री राम। तो अब जय श्री राम बोल के हमें ऊपर चढ़ना है। राम को फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में ठोक दो जय श्री राम। ठोक दो और अब जय श्री राम बोल के हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। जय श्री राम। सो फाइनली भाई ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट और ये खड़ी अपनी KTM और अपनी एंटॉर्क। अब यहाँ से हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। जी क्या होता है अब सर्विस के बाद चलाएं। 400 cc की बाइक है ना, 70-80 पे चला रही यार उसको। मेरे घर वालों ने ब्लॉग देख लिया ना, छुट्टी कर देंगे। बैठ। तो अब यहाँ से ले रहे हैं भाई एग्जिट। तो भाई खाना वाना हो चुका है और खाने के बाद सबको आ रही थी नींद, तो भाई सबने ले लिया है आधे एक घंटे का रेस्ट भी यहाँ पे। तो अब यहाँ से जो अभी हमारा प्लान डिसाइड हुआ है कि जो सिली से लेक है वो हम यहाँ से अब यहाँ से जा रहे हैं और इसी के आसपास एक 9 किलोमीटर पे वाटरफॉल है। तो अब क्या है कि कल्पेश भाई चलाएंगे अपनी KTM एडवेंचर और मैं चलाऊँगा अपनी एंटॉर्क। चलो निकालूं, देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करती है। बहुत इजीली निकल गई, बहुत इजीली। और KTM एडवेंचर तो वैसे ही निकल जाती है, काफी बड़ी है। बीच रोड पे है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पर दिया हमने पार। और भाई अब ये रास्ता देखना भाई कितना अमेजिंग है। ये देखिए दोनों तरफ हरियाली, दोनों तरफ पेड़ पेड़ और पेड़ों के बीच में से अपनी एंटॉर्क निकलती हुई शानदार तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है पुलिया क्षतिग्रस्त है, आप कृपया ध्यान से चलें। तो जो ये आगे रास्ता है इसका मतलब है ये टूटा हुआ है। पानी में से निकालें, पूरी टेस्टिंग कर रहा है वो जबकि साइड से रास्ता था, फिर भी पानी से ही निकालूंगा। क्या हो गया, पर्ची है क्या यहाँ? पर्ची पार्किंग की भाई। कहाँ है पार्किंग भाई? पार्किंग की पर्ची है यहाँ। दिखाइए भाई कितने की पर्ची है? 10। एक बाइक की? तो भाई 10 रुपए की पर्ची कट चुकी है हमारी गरवा जी मंदिर विकास समिति की तरफ से। वाहन पार्किंग अनुमति ग्राम पंचायत ढेलावास। ये जो अगर वाटरफॉल पे होता है मंदिर के पास ही दुकान है, आप यहाँ से केले भी खरीद सकते हो। और ये भैया ये हेल्प करेंगे बंदरों को खिलाने में, क्योंकि हमारा जो देव है ना वो डर रहा है। आ जा भाई, अभी मेरे हाथ में हेलमेट है नहीं तो मैं खिला देता। ले तू ये पकड़, मैं खिला रहा हूँ। लाओ भैया दो, आ जा दो मेरे को, इतने सारे ले ले की बारी। नहीं एक एक करके दे। आओ आओ आओ। तो यहाँ एक टेंपल है, टेंपल के बाद आप वाटरफॉल पे जा सकते हो। तो अभी टेंपल में विजिट करते हैं और उसके बाद वाटरफॉल दिखाते हैं। टेंपल में हम शूट नहीं करते, सभी आज कुछ हो जाएगा है। तो भाई हमने कर लिए हनुमान जी के दर्शन और शिव जी के भी दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं टेंपल में। और अब टेंपल से दर्शन करके, ये शिव जी का था और ये हनुमान जी, और ये बीच में क्या था? गोरखनाथ जी का मंदिर था। तो अब यहाँ से जो कुछ ट्रैक है ना कुछ ऐसा है। तो भाई ये देखिए बीच में से बिल्कुल ही, अभी सर्च हो रहा है कि वाटर, सर्च कर रहे हैं कि भाई वाटरफॉल हो कहाँ पर है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो पानी आ रहा है यहाँ पे। चलो चढ़ना स्टार्ट। अरे भाई अब कह रहे चलना शुरू करो, सबसे पहले मैं ही चलूँगा क्या भाई? मेरे को ही आगे कर दिया कैमरे के साथ हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पर ठीक है, एक हाथ से चढ़ना अभी है। हैं भाई वहाँ जाएंगे कैसे? अरे नहीं ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, स्टेयर्स पे चलते हैं। आ जाओ ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, हम स्टेयर्स पे चलते हैं।
अरे भाई बंदे स्टेयर से उतर रहे हैं, उनसे पूछते हैं ना उन्होंने क्या देखा। भैया कुछ लिखा हुआ है कि नवनिर्मित सीढ़ियों का निर्माण श्री कल्याण सिंह जी एवं श्रीमती भवरी देवी जी की स्मृति में इनके सुपुत्र ठाकुर साहब उदयराज सिंह एवं, तो काफ़ी सब लिखा है। और ये जो हुआ था ये दिनांक 14 जनवरी 2017 को मकर संक्रांति के दिन ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हैं देखिए कितना क्यूट भाई, मोबाइल बचा के बाकी सब तो मैंने आगे कर दिया है। भाई अमेजिंग, और व्यू देख यार इधर, एक बार व्यू देख, अमेजिंग। भैया ऊपर कुछ है क्या, सीढ़ियाँ ही हैं देखने के लिए, अच्छा है तो चढ़ जाएं हम भी। शुक्रिया भाई शुक्रिया। तो जो वाटरफॉल है वो नीचे की तरफ है, और भाई अब भाई ने कहा तो ऊपर व्यू है। और भाई मॉन्कीज देखो, वो देखो कल्पेश भाई देखो इधर एक बार, देखो भाई अमेजिंग। जाओ इधर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ भाई, आशु भाई जाओ, देखो कैसा लग रहा है, सांस फूल रही है, सांस सांस तो फूलती है। अब मैं सोच रहा हूँ राहुल भाई ऊपर आएंगे तो सांस कैसे फूलेगी। भाई कुछ भी कहो मतलब वर्थ है यहाँ पे आना, क्यों देव वर्थ है आना। और आप देखेंगे ये हो रहा है वाटरफॉल, इसमें यहाँ देखेंगे अगर ये दिख रहा है आपको, तो शिव जी की ये मूर्ति रखी हुई है। यार राहुल भाई एक बात बताओ, हाँ वहाँ झंडे कैसे लगे हैं? और वहाँ देखिए भाई कुछ झंडे भी लगे हुए हैं, और गुफा सी बनी हुई है। अरे लिखा भी हुआ है भाई। हाँ मैं ऊपर तो चढ़ जाऊँ भाई, और कुछ लोग भाई लोग सब वाटरफॉल का आनंद लेते हुए। चलो अशोक भाई चलो, आप थक जाओगे तो कैसा होगा। आप कुछ हमारे एडमिन साहब को कहना चाहेंगे, मिस्टर एंथनी को, हैं? मेरे को लग रहा है उसे लेकर आओगे अगली बार यहाँ। ये पता क्या हर्षिल जैसा है, हर्षिल में भी सीढ़ियाँ ऐसी हैं। देव कुछ कहना चाहोगे भाई, भाई नेटवर्क का तो नाम नीचे देखने का वो हो रहा है, एक तो एक्साइटमेंट ही अलग हो रही है। दो महीने में देखा था आपने ऐसा? तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। चल चल ऊपर प्लेन है, ऊपर प्लेन है, नीचे मत देख तू। तो भाई अपनी फोन की टेंशन से दूर रहना चाहता है ना, और जिम में रख लिया है यहाँ पे, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है दूर दूर तक। भाई आपके लिए ना इतनी जगहों पे फोन चार्ज, कैमरा चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज कर कर करे हूँ आ रहे हैं। तो भाई वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री हनुमान धारा मार्ग गोस्वामी समाज रामदास जी, गोस्वामी रामदास जी की आज्ञा अनुसार शिवलाल शर्मा जी ने ये निर्माण कराया है। बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ से जाते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड, यस दिस इज द एंड। भाई ये है वाटरफॉल, उसको शिवलिंग बोलते हैं ना, शिवलिंग है, वो मूर्ति लगा रखी है। तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्तियाँ भी हैं, और बैठेंगे ना आगे भी, दो देखो रास्ता पब्लिक आगे भी जा रही है। हाँ चलो हम आगे नहीं जाएंगे, पक गए हमारी। अरे तुम कुछ बॉडी बिल्डर हो, जिम करें या डरें। भाई पब्लिक मेरे को लग रहा है आगे भी वाटरफॉल है। हाँ भाई यहाँ देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसमें, ये देखो राहुल भाई। हाँ क्या, अरे काफ़ी सारा मछलियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या है थोड़ा। चलो हमने थोड़ा लेट वेट करा, हम तो काफ़ी वेट करके हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि हम आएंगे, बट हम फाइनली आ गए। पानी गंदा है ना, हाँ वो नीचे वाला पानी साफ तो था। अच्छा ये बीच में से है, ओहो स्किप कर रहे हैं मछलियाँ काट रहे हैं, ये वही काटने वाली मछलियाँ जो रेड स्किन काटती हैं, रेड स्किन। ओ भाई बंदर आता ही कर रहा है। यहाँ पे है श्री धारा हनुमान शिव महंत श्री चंदी चंद किरण नाय मंदिर है यहाँ पे,
तो ये मंदिर के बाद से यहाँ से वापसी है, बट हम अब आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे काफ़ी बंदरों का झुंड है तो जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जा रहे। यहीं से आपको, यही रास्ते से आपको वापस जाना पड़ेगा, तो अब इसी रास्ते को लेते हुए हम वापस जाएंगे। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये गंदगी ना करें, पीने का पानी है ये, और जूता चप्पल नीचे उतारें। तो जूता चप्पल भी यहाँ मंदिर से नीचे उतार लें आपको। भाई हमने यहाँ गिरा हुआ तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मुँह हाथ धो लिए भाई, और थोड़ी देर पैर यहाँ पे रख के अब यहाँ से हम ले रहे हैं एग्ज़िट। और अभी जो है ना, वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है और इसको जितना रिकॉर्ड करें ना कम है। तो आशु भाई अपना बैग लेकर आए थे, अपना बैग उठा रहे हैं, और देव भी रेडी है, और कल्पेश भाई हैंड्स वॉश करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई अब आगे की तरफ चलते हैं, अब हम ले रहे हैं एग्ज़िट। तो अब एग्ज़िट में देखते हैं कैसा फील होता है। ओके, अब तो नीचे उतर रहे हैं तो अब जल्दी उतर जाएंगे। ओके, पहले पड़ाव में सेंटर में ही बंदर बैठे हैं, तो भाई क्या करा जाए। फ़ोन को सोचते हैं कि अंदर ही रख लें। फ़ोन को अंदर रखा जाए क्या? बिल्कुल सामने बैठ गए भाई, हैं बिल्कुल सामने बैठ गए, क्या करना है। चलो ध्यान से चलना पड़ेगा फ़ोन को सामने के। भाई इनको हटाओ यार, चलो हट गए हट गए। ओके भाई चले गए, ठीक है भाई लोगों, बाय बाय। और अभी जाना इजी है क्योंकि कैप पे हाथ रख लिया मैंने, कैप पे हाथ रख लिया है। तेरा तो एक टूट भी चुका और एक ही बचा, ध्यान से, और रात को दिखेगा भी नहीं। अभी ये सीढ़ियों से जाना था ना हमें, हाँ। ओके अब ये स्टेयर से हम चलते हैं भाई नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा क्या? हाँ ये सब कवर हो रहा है भाई, हाँ। देखो कुछ बोलना चाहोगे यहाँ देख के भाई, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? मज़ा आता, मतलब ऐसे लगा किसी ने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है यहाँ पे। मतलब ये कारीगरी देखो ऊपर वाले की भाई, जितने ऊपर तक देख सकते हो ये देखो यार। चलिए भाई हनुमान जी का नाम लेते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे को वो आ रहे हैं अभी थोड़ा सा मुझे नीचे देखने में डर लग रहा है, और फ़ोन भी पकड़ना है। देव तू मेरे आगे चल, अगर मैं गिरा तो तू मुझे बचा लियो। मैंने देव को थोड़ा, देव चार सीढ़ी आगे चलियो। ओ भाई पैर कांप रहे हैं देव, चार सीढ़ी चल चल भाई चल, चार सीढ़ी का गैप रख दे, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक जाना है बस। शाबाश शाबाश, आओ आशु भाई आप आ गए, आओ मैं ही जाता हूँ, अब तो मैं उतर जाऊँगा। थोड़ा शुरू में डर लग रहा था, अभी मंजिल दिख गई है ना तो रास्ता भी आसान हो गया है। क्यों देव? हाँ भाई। अरे अभी पैर मेरा हल्का सा ट्विस्ट हुआ, संभाल के आना भाई। जब चढ़ रहे थे तब ज्यादा बड़ा लग रहा था ना, और अब कम कम सा ही है। चलो चलो, अच्छा हाँ सीढ़ियाँ कम है, बाकी आगे का रास्ता भी है। ओके स्टेयर्स वाला रास्ता तो हमने कंप्लीट कर लिया, जो मंदिर की तरफ जाता था, हनुमान जी का टेंपल था। तो अब यहाँ एक छोटी सी गुफा भी है, जय हनुमान जी। क्या फोटो ले रहे हो कल्पेश भाई? चलो अब वापसी का रास्ता बनाओ जैसे हम आए थे, रास्ता बनाना बहुत, इधर से ही चलते ना, इधर से आए थे ना। अरे यहीं से आ जाओ, हाँ फोटो लो यार, यहाँ पकड़ो उस पत्थर को। अरे मैं लेता हूँ यार, मतलब पैर में भी और ट्विस्ट आ ही चुका है। ओके ये शुक्र है, हम पहले यहाँ से पूरा पूरा घूम के गए थे उधर से, पर ठीक है अब इजी हो गया हमारे लिए,
है ना, पहले हम इधर से घूम के तो गए थे। नहीं यार ऐसे गए नहीं थे हम यहाँ से, देव बताएगा। देव हम यहाँ से नहीं गए थे पहले? हाँ तो अब शॉर्टकट हो गया। नहीं नहीं हम इनके पत्थरों के ऊपर से कहाँ गए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ से भाई यहीं से गए थे यार। मुझे नहीं लगता यार यहाँ से गए थे। अरे उससे चढ़े थे, यहाँ से जाके ऐसे चढ़ के गए थे, मतलब हम अब तो हम इधर से ही आ गए ना, तो ईजी है। चलो तो भाई हो गया हमारा वाटरफॉल वाली लोकेशन भी कवर, और अब हम सीधा मिलते हैं अपनी बाइक्स पे। इससे ज्यादा वाले हालात देखे मैंने। अभी तो ये क्या है कि लोकेशन उतनी वो नहीं हुई है ना। हाँ इतने ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोकल ही आ रहे हैं सबसे ज्यादा तो। हाँ सो फाइनली गाइस हमारा जो है सो फाइनली गाइस हमने वाटरफॉल देख लिया, और अब हम जो टेंपल है अब यहाँ से हम ले रहे हैं एग्जिट। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो सो गाइस अगर तो व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और फ्रेश व्लॉग में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच।